गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, नीचे 40 है 30 है, इसका मतलब बड़ा नंबर तो नीचे है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बड़ा नंबर नीचे हो तो क्या करते हैं, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्राई कर लेंगे, एक बार चेक करते हैं। तो ये 8 इंटू में 2 इंटू में 5, तो कितना हुआ मेरे पास में, ये आपका 80, और 80 को अगर मैं हाफ करूं तो कितना है मेरे पास में 40, यानी कि टॉप की जितनी भी 3 वैल्यूज है इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को मिडिल का नंबर मिला, मतलब लास्ट वाला नंबर मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं, यहाँ 5 दिया हुआ मुझे, 4 दिया हुआ, यहाँ पर 3 दिया हुआ, मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हुआ 2, तो 5 × 10 = 30, बिल्कुल 30। दोस्तों 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें एक लॉजिक फाइंड करना है कि उसने एग्जामिनर ने ये 40 कैसे अरेंज किया। तो मैंने सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा आया मल्टीप्लाई में, तो मैंने उसे 2 से डिवाइड किया। जब मैंने 2 से यहां डिवाइड किया तो अगले वाले भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मेरा वेरीफाई होता तो इसका मतलब लॉजिक मेरे पास है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू में 1 इंटू में 10 और डिवाइड बाई 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 10, और यहां पर मेरा आंसर आएगा 10, और ऑप्शन ए जो है वो मेरे लिए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज 10। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली सुबह 7 बजे।